यास तूफान का असर बिहार के अधिकांश जिलों में देखने को मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर के बागमती नदी पर भी यास को लेकर असर पड़ा है। यही वजह है कि बागमती नदी उफान पर है। पानी बढ़ने के कारण बागमती नदी के तटबंध के आसपास गांव के लोग दहशत में हैं। बिन मौसम बरसात की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि जानकारी के अनुसार बागमती नदी के जलस्तर में आज कमी होने की बात सामने आ रही है। जहां देखिए कटरा प्रखंड अंतर्गत बागमती नदी के बीचों बीच बना पीपा पुल के सहारे लोग कैसे डर डर कर पार कर रहे हैं। ये पीपा पुल कटरा और औराई प्रखंड को भी जोड़ती है। आपको बता दें कि यह कोई नई समस्या नहीं है, क्योंकि हर साल बाढ़ में ऐसी ही स्थिति बन जाती है और दर्जनों पंचायत का आवागमन प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। लेकिन अब तक न तो जनप्रतिनिधि और न ही जिला प्रशासन कोई पहल करता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अगेन यास तूफान का असर साफ तौर पे मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला है। और अभी आपको हम बता दें कि हम अभी बागमती नदी पीपा पुल पे है, जो कटरा प्रखंड अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं कैमरे की मदद से, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह बागमती नदी में उफान है। इसको कहा जाता है कि बिन बाढ़ आ जाना। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अम्मा एक जा रही है, अम्मा आप पीपा पुल पास करते हैं, कैसा लग रहा है? विराम तरह लग रहा है। कहाँ से आ रही है इधर? तो मतलब ये अभी बाढ़ आया है नहीं, उसके बाद ऐसा हाल है। और बाढ़ आने के बाद फिर कैसा हाल? आने के बाद रास्ता पर सब जाम रहता है। इस तरह का स्थिति पैदा हो जाता है। खाने वगैरह जी। तो आपने देखा ऐसे ही लोग इस पीपा पुल से आते हैं, अपने जान जोखिम में डालकर। पता नहीं, न ही तो सरकार को कुछ समझ में आती है और न ही शायद जिला प्रशासन इस पे कुछ संज्ञान लेने को कुछ भी आगे पहल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह लोग इस पीपा पुल पे, जो कि बागमती धारा है, ये मुख्य धारा है ये बागमती का, और ये अभी बाढ़ आया भी नहीं है और ये अपने उफान पे है। एक और आ रहा है, हम जरा इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? इधर से आने में कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। कुछ डर कैसा? बहुत सारे डर है। मतलब कि 4 किलोमीटर गाड़ी घुमा के आए हैं, इसके बाद फिर पीछे लौट के नहीं, जब हिम्मत काम किया कहीं से फिर दो। जबकि अभी बाढ़ आया नहीं, नहीं आया है। उस बाढ़ नहीं आया, उसके बाद भी ये हाल है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार सहनी। देख रहे हैं कि ये जो ये जो पीपा पुल का पथ है, यहाँ से बहुत सारे पंचायतों का आवागमन होता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का। ये तो एक धार है जो कि आपको कटरा और आई गायघाट और कई ऐसे और प्रखंड है जिसको ये यही एक मुख्य पीपा पुल है जो लोगों को जोड़ती है। एक और कुछ लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं? औराई से आ रहे हैं। ये बाढ़ का स्थिति इधर हुआ है नहीं? ये तो पानी का उफान जो आया है इस पर, मतलब ये हर साल आता है। अच्छा, इस तरह का स्थिति हर साल हो जाता है? इससे भी ज्यादा होगा, ये पुल टूट जाएगा। जनप्रतिनिधि यहाँ का कुछ नहीं देखते हैं? हमारे जिला प्रशासन में क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशरफ जी। और भी एक हैं, ये भी भाई साहब। पहले तो हम इनको जाने दें, तो रास्ता थोड़ा कठिन है। कहाँ से आए? मतलब पीपा पुल से पास करके बाइक से भी आ रहे हैं, देख रहे हैं पीपा पुल का स्थिति क्या है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, ऐसा ही सब दिन रहता है। लेकिन बाढ़ में कुछ ज्यादा नहीं, बाढ़ में तो और यही तो चलने लग नहीं रहा। जबकि ये बाढ़ नहीं है तो नहीं, मतलब स्टार्टिंग है। एक दिन बारिश से आगे पीछे देख ही रहे हैं, कैसा पूरा ध्वस्त है पूरा। इस तरह की इस तरह नहीं है। सब क्या नाम है? मेरा नाम मुकुंद जी। तो देखा कई लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया थी, और हमें भी डर लग रहा है। तो जनप्रतिनिधि है या जो जिला प्रशासन है, सरकार है, इस पे सुध लेने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि हर साल ऐसी विकट स्थिति बाढ़ के समय आ जाती है, जबकि अभी बाढ़ आया भी नहीं है। ये तो बस यास तूफान का असर है जो बागमती नदी उफान पे है। मुजफ्फरपुर से एलआर भारत के लिए रुपेश कुमार।